अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवाब जवाद और आप देख रहे हैं नवाब जवाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाइट रूम एप्लीकेशन में काम करेंगे, तो चलो देखते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में आज मैं अपने एक नए मॉडल की तस्वीर को एडिट करता हूं और साथ साथ आपको बताता हूं। ये तस्वीर मैंने ओपन कर ली है, लाइट रूम एप्लीकेशन ओपन कर ली है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये मॉडल आपके सामने नज़र आ रहा है, सबसे पहले हम तस्वीर को ऑटो मोड में चले जाएंगे। ये मैंने ऑटो सेलेक्ट कर लिया है, देखना थोड़ी सी डार्क हो गई है, इसमें ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट हो जाती है इस फंक्शन में। इसके बाद ये लाइट का ऑप्शन होता है, अब लाइट को ओपन कर लिया है तो लाइट के सबसे ऊपर आता है एक्सपोजर। एक्सपोजर को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा कम किया है, ठीक है। बाकी कंट्रास्ट, हाई लाइट, शेडोज इसका तकरीबन मुझे ठीक लग रहा है, तभी मैं इसको नहीं इसकी सेटिंग नहीं कर रहा। आगे टेम्परेचर वाला आइकन बना है, उसको टच करते हैं। अब टेम्परेचर पे आ गया, टेम्परेचर भी इसका अच्छा फील हो रहा है, वो देखते हैं। थोड़ा सा मैं 4 पॉइंट टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया है, नीचे टिंट आ गया है, टिंट में से मैंने थोड़ा सा डाउन किया है, आई वाइब्रेंस आ गया नीचे, और वाइब्रेंस को थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ 41 पे, 44 पे वाइब्रेंस चला गया है। और सैचुरेशन अब इसके नीचे आ गया, सैचुरेशन को ओपन करते हैं, सैचुरेशन चली जाती है, हाँ इतनी ठीक है, सैचुरेशन की सेटिंग हो गई है। इसके बाद हम चलते हैं मिक्स के ऑप्शन में, ये जो ऊपर टॉप पे मिक्स बना हुआ है उसके ऑप्शन में मिक्स ओपन किया। अब हम इस वीडियो में, इस तस्वीर में अब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे, कलर एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं लेता हूँ कलर, क्या कहते हैं, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, रेड के साथ है ऑरेंज कलर। थोड़ी तस्वीर को जूम कर लेता हूँ ताकि आपको वाज तौर पर पता चल सके। और सबसे पहले ऑरेंज कलर सेलेक्ट किया, ऑरेंज की अब सेटिंग करता हूँ, जहाँ पे बेहतर लगता है वो चीज़ सेलेक्ट करनी होती है। जी फ्रेंड्स, अब हम कलर मैचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या, कौन सा कलर लिया था, ऑरेंज कलर लिया था, अब येलो कलर पिक किया है और येलो कलर की सेटिंग करते हैं। सबसे पहले फेस की सेटिंग करनी है, उसके लिए ऑरेंज कलर यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑरेंज कलर में फेस देखते हैं कहाँ पे परफेक्ट लगता है। तो अभी मैंने ह्यू वाला ऑप्शन ओपन किया था, अब सैचुरेशन में चलता है और सैचुरेशन ओपन कर लिया है, तो इसमें देखते हैं, सैचुरेशन वाला ओपन किया है और उसको मैंने माइनस में ले गया हूँ। और लुमिनेंस अब चलते हैं, लुमिनेंस ओपन किया है, देखें कैसी परफॉर्मेंस आ गई है, परफेक्ट रिजल्ट मुझे नज़र आ रहा है। अब लुमिनेंस हो गया है, ओके। अब चलते हैं येलो में, येलो वाला मैंने ऑप्शन चूज़ किया है, तो येलो के ह्यू ऑप्शन में चले गए हैं, ह्यू ऑप्शन में चले गए हैं। तो इसकी सेटिंग कर रहा हूँ मैं, ये ग्रीन वाला ऑप्शन ओपन किया है, अब उसकी यू ऑप्शन की सेटिंग की है और सैचुरेशन, ग्रीन ऑप्शन की सैचुरेशन ओपन किया है और लुमिनेंस देखते हैं, और लुमिनेंस मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब ब्लू वाले ऑप्शन में चलते हैं, ब्लू के हुई ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ह्यू वाला ऑप्शन किया और सैचुरेशन, अब सैचुरेशन की सेटिंग करते हैं, सैचुरेशन मैंने फुल कर दिया है। अब ल्यूमिनेंस आ गया है, ल्यूमिनेंस में देखते हैं, ल्यूमिनेंस में वो ग्रीन ऑप्शन आ गया, बस ठीक हो गया, इतना ही काफ़ी है। अब जो स्काई ब्लू ऑप्शन है उसमें चलते हैं, स्काई ब्लू ऑप्शन में चले गए, अब वहाँ से की सेटिंग है, सैचुरेशन में आ गया हूँ, ऑप्शन में आ गया हूँ। अब नीचे इसकी ल्यूमिनेंस ओपन कर लिया है, ल्यूमिनेंस ओपन कर ली है, अब इसकी ऑप्शन में, अब मैंने पर्पल कलर का यूज़ किया, पर्पल कलर का खास इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। अब पिंक कलर चूज़ करते हैं, पिंक कलर कोई खास इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा, अब येलो परफेक्ट लग रहा है, बस ठीक है। और रेड पे देखते हैं, रेड पे देखते हैं,
रेड यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। बस ये यहाँ पे ठीक हो गया है जी फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने इसकी सेटिंग ये देखा, लॉन्ग प्रेस करते हैं, ये स्पीड पहले ऐसी इस तरह की थी, अब जैसे ही मैंने इसको आफ्टर करता हूँ तो ये देखो कितनी प्यारी नज़र आ रही है, क्या बात है। सेटिंग कलर की सेटिंग हो गई, अब हम अगर नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं, वहाँ से टेक्सचर जो हमारा ठीक है, टेक्सचर को थोड़ा सा 13 पॉइंट कर लेते हैं, और जो बाकी जो विंटेज है इसको डाउन करना है तो इसकी लुक आ जाएगी, कमाल की लुक बनती है। विंटेज मैंने डाउन कर दिया है तो इतना सा काफ़ी है, विंटेज भी ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं, वहाँ पे हम नॉइस रिडक्शन है इसकी, हम जो है नॉइस रिडक्शन वो करेंगे, नॉइस रिडक्शन करते हैं। नॉइस रिडक्शन में अब तस्वीर बहुत ही क्लियर हो गई है, साफ हो गई है और डिटेल भी ठीक हो गया। और सबसे पहले ऊपर शार्पिंग है, शार्पिंग थोड़ी सी ऐसे कर देते हैं, 31 पॉइंट पे कर दी है। तो जी फ्रेंड्स आप देखें ये कितनी प्यारी तस्वीर लग रही है। सबसे पहले आप देखें ये बिफोर वाला ऑप्शन था, बिफोर वाला ऑप्शन था, अब ये आफ्टर वाला ऑप्शन है।